और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली पहुंच चुके हैं ट्रेन के जरिए, वंदे भारत ट्रेन के जरिए मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे हैं। करीब 3:30 बजे वो ट्रेन में बैठे थे और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं। कई अहम मुद्दों पर आज चर्चा हो सकती है। झूठ बोल करके सत्ता हथियाना चाहते हैं, परंतु देश के लोग इनको पहचान चुके हैं, अब इनको नकार चुके हैं। कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो। सर, जम्मू कश्मीर के जो विधानसभा में 370 को लेकर के जो हंगामे हुए, पीएम मोदी ने भी कटाक्ष किया है कि कांग्रेस को अपना एजेंडा साफ करना होगा, उसका क्या रोक है? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस ने जिस प्रकार का अपना रुख जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के साथ मिलकर के उन्होंने अपने एजेंडे को जो जम्मू कश्मीर की असेंबली के अंदर समर्थन दिया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस ये बताए कि कांग्रेस उसाड़ में जो पाकिस्तान की मंशा थी, जो देश द्रोही लोग थे, ऐसे लोगों को खुश करने के लिए और उनके मंसूबों को पूरा करने के लिए दोबारा फिर इस देश को, जम्मू कश्मीर को कांग्रेस पार्टी उस आतंकवाद के अंदर धकेलने का काम कर रही है जिस आतंकवाद से पूरा देश जूझ रहा था। धारा 370 35 से जो मुद्दा वो काफी लंबे समय से वो पास भी हो गया था, उस समस्या से निजात भी मिल गई थी, परंतु कांग्रेस और जम्मू कश्मीर विकास की गति में भी आगे बढ़ रहा था, आतंकवाद के ऊपर भी एक बड़ी रोक लगी थी, परंतु कांग्रेस ने फिर उसको समाप्त करने का जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने वहां पर अपने मैनिफेस्टो में कहा था और जो वो विधानसभा के अंदर लेकर के आए उसका समर्थन करने का काम वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। कांग्रेस पार्टी ये बताने का काम करे कि जम्मू कश्मीर के जो वाल्मीकि समाज है, जो वहां पर गोरखा समाज है और जो जम्मू कश्मीर के अंदर पश्चिमी पाकिस्तान जो शरणार्थी हैं, जो जम्मू कश्मीर के अंदर पहाड़ी और गुज्जर लोग हैं जिनको सरकारी नौकरी के अंदर भी अधिकार नहीं था, जिनको वोट का भी अधिकार नहीं था, जिनको वहां पर आरक्षण नहीं मिलता था, क्या कांग्रेस पार्टी दोबारा फिर उन लोगों को उस अंधेर के अंदर डालना चाहती है, फिर जम्मू कश्मीर के लोगों को उस आतंकवाद के दौर में ले जाना चाहती है? क्या कांग्रेस पार्टी फिर जो राहुल गांधी की मंशा थी, जो झूठ बोल रहा है, अमेरिका में जाकर के जो उसने कहा था कि हम आरक्षण को खत्म करेंगे, क्या ये कांग्रेस पार्टी की आरक्षण खत्म करने की ये प्रक्रिया की तरफ कदम है?